नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। और आज मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब लग सकता है, लेकिन इस तरह का सिचुएशन में आपको क्या चीज़ फॉलो करना है या फिर आप फालतू में, ऐसा भी हो सकता है कि छोटा सा प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर बैठते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं कि इस गाड़ी में जो कंसर्न है, कस्टमर की जो वॉइस है वो क्या था। कस्टमर कहता है कि बारिश होने पे भाई गाड़ी का जो एसी है वो काम नहीं करता है, वो गर्म हवा फेंकना चालू कर देता है। और इसकी जो मूड है, नॉर्मली अगर आप फेस डिरेक्शन मूड में रहता है तो वो मूड भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो मेरे पास गाड़ी विजिट किया है और अभी भी मुझे ये प्रॉब्लम मिला है कि हाँ, गाड़ी का जो एसी है वो बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको पहले गाड़ी का जो क्लस्टर मीटर है, जो टेक्नीशियन है अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं वो क्लस्टर मीटर देख के ही पता कर लेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो कैसा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हुंडई की एलईडी 20 गाड़ी है। इसमें आपका जो FADC यूनिट लगा हुआ है ऑटोमेटिक है इसमें। तो इसको पहले में हम गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरा गाड़ी जो है स्टार्ट हो गया है और इसकी जो क्लस्टर मीटर है, यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो देख के ही पता कर लेगा कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है एसी ना चलने की। मैं आपको ये बाद में दिखाता हूँ। अब देखिए, मेरा जो एसी है ये बिल्कुल ऑन है लो पोजीशन में। अभी मैंने ब्लोअर स्पीड को एक में रखा है क्योंकि नहीं तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एसी का टेम्परेचर है वो देखिए आप, वो 35.4 ऐसा कुछ आ रहा है, जबकि मेरा एसी स्विच ऑन है। और अगर मैं इसको एसी को ऑटो मोड में भी ऑन कर देता हूँ तो तब भी ये ब्लोअर स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लेकिन एसी का जो ठंडा है वो देखिए आप, ये बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि फालतू में आप अगर एसी का सर्विस करने जाते हैं या फिर आपको लगता है कि एसी शायद ख़राब हो गया है या फिर फर्स्ट टाइम अगर आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें आपको कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये देखिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो शो कर रहा है, इसकी मेन रीज़न यही है। क्लस्टर मीटर में जब भी आपका माइनस शो कर देगा तो उस कंडीशन में एसी जो है वो ऑटोमेटिकली आपका ऑफ हो जाएगा और गर्म हवा फेंकना चालू कर देगा, अगर आप एसी को ऑन भी करते हैं तब भी। तो ये होने का मेन रीज़न जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको रिपेयर करते हैं। नॉर्मली आगे बम्पर में एक सेंसर है, तो चलिए उसको खोल के दिखाते हैं। अब दोस्तों, कोई भी FADC जिसमें ऑटो एसी है उसमें आपका ये जो आगे का बम्पर है उसके पीछे, ये खोलने से आपको अच्छा से दिखाई देगा, इसके पीछे एक एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है। लेकिन मैं इस गाड़ी के लिए इसकी बम्पर में थोड़ा मैकेनिज्म अलग टाइप का बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसकी जो नीचे वाला कवर है इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो सेंसर है ये कौन सी पोजीशन में है और इसकी कंडीशन क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये इस सेंसर की जो वायर है ये पूरा कटा है, तो ये नॉर्मली चूहे ने काट दिया है। और ये जो सेंसर है ये आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट कट होने के कारण ये सेंसर सही से इसकी एक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा है, और इसीलिए क्लस्टर मीटर में ये 40 के आसपास कुछ, -40 के आसपास कुछ टेम्परेचर दिखा रहा है, और इसीलिए इसका जो एसी है ये ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम जो था ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ये तो हम 100% श्योर है कि सॉल्व हो ही जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने इसका जो वायर कटआउट हुआ था वो वायर को अच्छे से फिक्स कर दिया। अभी देखेंगे कि इसकी जो -40 डिग्री दिखा रहा था क्लस्टर मीटर में वो सबसे पहले गया कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं जाता है तो उस केस में आपका ये एसी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के बिल्कुल चांस नहीं है। तो पहले उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि वो बाहर का जो तार कटा हुआ था, वो तार जोड़ने के बाद यहाँ पे मेरा क्लस्टर मीटर में 29 के आसपास कुछ, ये 29 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो बाहर का काम था वो बिल्कुल सक्सेसफुली काम हुआ है। और यहाँ का जो एसी है मैं अभी भी उसको एक पॉइंट में ही रखा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 15.5 होकर धीरे धीरे और कम हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा गाड़ी का एसी जो है, मेरा नहीं एक्चुअली कस्टमर का गाड़ी का जो एसी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर फालतू में एसी का भी काम करा लेते हैं, गैस वैस कोई लोग तो डला देते हैं, तो ये सब करने से आपका जो काम है पूरा बेकार हो जाता, पैसा बर्बाद हो जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि एसी का भी कुछ ऐसा छोटा मोटा फंडा रहता है जिससे आप हल्का सा बस एक वायर कटआउट होने से भी आपका एसी जो है वो ब्रेकडाउन हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।